यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइंड बाय टू अप्रोच। फर्स्ट वन इज एडी इक्वल टू एएस अप्रोच, सेकंड वन इज सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच इज दैट एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच। अकॉर्डिंग टू Kinney's theory, the equilibrium level of income in an economy is determined when the aggregate demand is equal to aggregate supply. Equilibrium level of income किसी भी इकोनॉमी में डिटरमाइन होता है जब हमारी एडी इक्वल्स टू क्या होती है, एएस होती है। हमारी एग्रीगेट डिमांड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली। एग्रीगेट डिमांड के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, दो। फर्स्ट इज कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड, सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट बाय द फॉर्म्स। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड के मेनली कितने कंपोनेंट हो गए, टू। फर्स्ट वन इज सी एंड सेकेंड वन इज आई। तो हमारा एडी बराबर क्या हो गया, सी प्लस आई। नाउ एएस इज द टोटल अमाउंट आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। इनकम इज स्पेंड आदर फॉर कंजम्पशन और इट इज सेव टू गोट टू कंपोनेंट कंजम्पशन एंड सेविंग। हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम होती है। और जो हमारी इनकम होती है या तो हम उसे कंज्यूम करते हैं या हम उसको सेव करते हैं। तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई बराबर क्या हो गया, वाई, और वाई बराबर सी प्लस एस। सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। फॉर एग्जांपल हमारे 100 रुपये इनकम है, या तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस एस। अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब डिटरमाइन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नीचे आते हैं अपने शेड्यूल पे। शेड्यूल में हमारे सबसे पहले कॉलम में गिवन है एम्प्लॉयमेंट, सेकंड कॉलम में गिवन है इनकम वाई, थर्ड कॉलम में गिवन है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, फोर्थ कॉलम में गिवन है सेविंग, फिफ्थ कॉलम में गिवन है आई इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट कॉलम में गिवन है सी प्लस आई दैट इज एडी, उससे नेक्स्ट कॉलम में गिवन है सी प्लस एस दैट इज एएस। अब जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो कौन से कॉलम में, फर्स्ट में, और सेकंड में क्या है इनकम, थर्ड में क्या है कंजम्पशन। हमारी जो इनकम है वो एक कांस्टेंट रेशियो में बढ़ेगी, किसमें बढ़ेगी, कांस्टेंट रेशियो में। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ता है। उसके बाद हमारी जो सेविंग है वो भी क्या है, वो भी इसके कोरस्पोंडेंट है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हमने एज्यूम किया है कि शॉर्ट रन में हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, ये फिक्स्ड रहती है। मीन्स जो इन्वेस्टमेंट की कर्व है वो रहेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फिक्स रहेगी, 40 ही रहेगी। नेक्स्ट है सी प्लस आई दैट इज एग्रीगेट डिमांड। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, वैसे ही नेक्स्ट है सी प्लस एस, ये हमारी क्या है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। हमारी जो इनकम होती है वही क्या होती है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे, जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तो हम कंज्यूम कितना करते हैं, 40 यूनिट्स, कितने करते हैं 40। अब सोचने वाली बात है, इनकम हमारी ज़ीरो है और हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं हम कंज्यूम और कहाँ से कर रहे हैं। भाई आप एक बात ध्यान से सोचिए, इनकम लेवल बंदे का क्या है, ज़ीरो, और फिर भी वो खर्च कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है और उस पर खर्च कर रहा है कंज्यूम पे। तो ये 40 वो कर कहाँ से रहा है खर्च, वो अपनी पास्ट सेविंग से कर रहा है, जो भी उसने कर रखी है उस पास्ट सेविंग से वो 40 रुपीज़ खर्च कर रहा है टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। इस कंजम्पशन को हम बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम डिनोट करते हैं सी बार से, किससे, सी बार से। मीन्स जब हमारा लेवल ऑफ इनकम जीरो होता है और हम तब भी कोई कंजम्पशन करते हैं सर्वाइव करने के लिए, वो कंजम्पशन कहलाती है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऐसे ही हमारी जो सेविंग होती है जहाँ से हमने अपनी वो कंजम्पशन करी है,
उस सेविंग को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेविंग, क्योंकि हमारी जो सेविंग है उसमें से तो डिडक्शन होगा उस कंजम्पशन का, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेविंग या डिस सेविंग या ऑटोनोमस सेविंग। समझ आ गई बात। नेक्स्ट है हमारा आई। आई हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम इन शॉर्ट पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब हमारी इनकम 0 से बढ़कर कितनी होगी, 100, तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, 80 से बढ़ेगा। पहले 40 था, फिर 120 हो गया, कितने से बढ़ा, 80 से। ऐसे ही हमारी सेविंग भी बढ़ेगी। सेविंग पहले -20 40 थी, अब कितनी हो गई, -20, तो कितने से बढ़ी, 20 से बढ़ी। सेविंग भी हमारी कांस्टेंट रेशो में बढ़ेगी और हमारा कंजम्पशन भी कांस्टेंट रेशो में बढ़ेगा, हमारी इनकम भी कांस्टेंट रेशो में बढ़ेगी। दैट्स वाई जो हमारी कर्व है किसकी, AS की और AD की, ये हमारी अपवर्ड होती है और स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि कांस्टेंट रेशो में इंक्रीज होती है। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है, वे अपवर्ड स्लोपिंग है और स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है, वो भी किस रेशो में, कांस्टेंट रेशो में। इसलिए ये कौन सी कर्व है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है दोनों ही। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लेवल ऑफ इनकम की। सेकेंड लेवल ऑफ इनकम पर हमारा आई क्या है, 40 है। उसके बाद हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है, 160 है। एग्रीगेट सप्लाई 100 है। आप देख सकते हैं कि सेकेंड लेवल ऑफ इनकम पर भी जब हमारी इनकम 100 है, तब हमारी AD ज़्यादा है किससे, AS से। अब बात करते हैं थर्ड लेवल ऑफ इनकम की। जब हमारी इनकम बढ़ के 200 हो जाती है, 200 इनकम पर हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, कितना, 200 हो जाएगा। इनकम 200, कंजम्पशन भी 200, तो सेविंग क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जितनी हमारी इनकम थी वो उतनी हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग हमारी क्या रहेगी, 0। इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है हमारी, 40 रहेगी। C+I बढ़ेगा, मीन्स 200 + 40, 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजम्पशन प्लस सेविंग, या हम इसको कह सकते हैं इट्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और इक्वल टू इनकम। तो जितनी हमारी इनकम है उतनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई रहेगी। नेक्स्ट है हमारी जो इनकम है वो बढ़कर हो जाती है कितनी, 300। 300 लेवल ऑफ इनकम पर हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम 280 कंज्यूम कर रहे हैं, और 20 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारी 40 ही है। एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या हो जाती है, C+I। उसके बाद हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कितनी है, वो 300 हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जो फोर्थ लेवल ऑफ इनकम है, यहाँ पर भी हमारी AD ज़्यादा रहेगी किससे, AS से। नेक्स्ट है एट फिफ्थ लेवल ऑफ इनकम। फिफ्थ लेवल ऑफ इनकम मीन्स 400। जब हमारी इनकम 400 होगी तो उसमें से हम 360 रुपीज़ क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और 40 रुपीज़ सेव करेंगे। और हमारा आई भी क्या रहेगा, 40 रहेगा। और हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या रहेगा, 400 रहेगा। एग्रीगेट सप्लाई भी 400, मीन्स यही वो लेवल ऑफ इनकम है, यही वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, जहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड बराबर क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई होगी। मीन्स जितना भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है उतना ही ऑटोमेटिकली डिमांड हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इट्स ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगी, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। अब अगर हमारी इनकम 400 से ज़्यादा होती है, मीन्स 500 होती है, तो हमारी जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगी, वो कितनी हो जाएगी, 440। सेविंग 60, आई 40 है ही हमारा। एग्रीगेट डिमांड 480 हो जाएगा। अब जो हमारा 500 लेवल ऑफ इनकम है, इस पर हमारी आप देखोगे सबसे लास्ट कॉलम में एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। ऐसे ही अगर हमारी इनकम ऐसे ही बढ़ती जाती है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड अब क्या होती चली जाएगी, इसके बाद एग्रीगेट डिमांड कम होती चली जाएगी, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। अब नीचे हमारे डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को आप समझ गए होगे। हमारी जो Y-एक्सिस है उस पर हमने शो कर रखा है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व। X-एक्सिस पे हमने एग्रीगेट
इनकम मींस नेशनल इनकम शो कर रखा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। ये दोनों कर्व जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। और वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और उसके नीचे जो भी इनकम आएगी वो क्या कहलाएगी हमारी, वो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट कहलाएगी। अब इस कर्व को हम बनाते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले आपको पता ही है हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हमारी 45 डिग्री की होती है। कितनी की होती है, 45 डिग्री की। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व आप अपवर्ड स्लोपिंग बना लोगे कब, 45 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि हमारे पूरा जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री होता है, इसका हाफ हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व। हमारी जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये ओरिजिन से क्यों नहीं बनी है, ये ऊपर से क्यों बनी है, ये ऊपर इसलिए बनी है क्योंकि आप देखिएगा सी प्लस आई कितना है हमारा स्टार्टिंग में 80, जब हमारी इनकम लेवल कितना है ज़ीरो है तो हमारा सी प्लस आई कितना है 80। तो ये जो कर्व है हमारी ये 80 से बनने स्टार्ट होगी और इसके बाद ये अकॉर्डिंग टू शेड्यूल अपवर्ड स्लोपिंग जाएगी और स्ट्रेट लाइन जाएगी। जहाँ पर भी दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा और उस पर जो इनकम होगी वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहलाएगी। ये मैंने आपको पूरा शेड्यूल और पूरा डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन